हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, कुंडली भाग्य में सुंबुल तौकीर खान क्या नहीं करेंगी काव्या का किरदार? क्या लीड एक्ट्रेस के रोल में नहीं नजर आएंगी सुंबुल? क्या दिया है एकता कपूर ने सुंबुल तौकीर खान को बड़ा झटका? क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, सुंबुल तौकीर खान ने कुंडली भाग्य में काव्या का किरदार निभाने के लिए यानी कि लीप के बाद मेन लीड एक्ट्रेस का रोल करने के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया। खबरों की माने तो सुंबुल ने शानदार स्क्रीन टेस्ट दिया था, लेकिन एकता कपूर ने अब सुंबुल के बाद सना सैयद को भी अप्रोच किया है। सना सैयद जो कि टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, दिव्य दृष्टि और लॉकडाउन की लव स्टोरी जैसे शो स्टार प्लस पर कर चुकी हैं। अब इनको अप्रोच किया गया है और इन्होंने भी अपना लुक टेस्ट दिया है कुंडली भाग्य में लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जो एकता ने किसी एक्ट्रेस को अप्रोच किया है। सुंबुल से पहले देवात्मा साहा और सृष्टि को अप्रोच किया जा चुका है। जी हाँ, सृष्टि जैन और देवात्मा साहा, उसके बाद सुंबुल तौकीर खान और अब सना सैयद। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इनमें से किसको एकता कपूर लीड एक्ट्रेस के तौर पर रखेंगी, यानी कि कौन है जो काव्या का किरदार निभाएगा, क्योंकि जनरेशन लीप के बाद श्रद्धा आर्या शो को छोड़ देंगी। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि एकता कपूर ने बहुत ही चालाकी से सब कुछ रचा है। खबरों की माने तो एकता सुंबुल को नागिन में लेना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि सुंबुल कुंडली भाग्य में नजर आए और यही सबसे बड़ी प्लानिंग चल रही है एकता की। हालांकि खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि एकता कपूर को कुंडली भाग्य में एक नहीं बल्कि दो लीड एक्ट्रेस चाहिए, क्योंकि इस बार वो दो लीड एक्टर्स को भी शो में लेकर आ रही हैं। एक होगा पारस कनलावत और दूसरा हर्ष राजपूत। अब ऐसे में ये हो सकता है कि जहां एक ओर सुंबुल तौकीर खान छोटी बहन का रोल निभाएंगी तो वहीं दूसरी ओर सना सैयद बड़ी बहन का। वेल दोस्तों, कितने एक्साइटेड हैं आप इसके लिए, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।